हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। मिशन अब्रॉड चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएस वीज़ा के बारे में। एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी। एक्चुअली जो लोग अभी यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये एक परेशानी वाली बात हो सकती है। और जो लोग ये सारी डिटेल्स रखते हैं अपने पास तो उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अभी अभी खबर आई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि जो लोग भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, भले ही वो इमिग्रेंट वीज़ा के लिए या नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए, आई मीन टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी जो हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री, वो भी चेक की जाएगी। अब इसमें सोशल हिस्ट्री का मतलब क्या है? सोशल हिस्ट्री का मतलब ये है कि जो आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका ट्विटर अकाउंट है, आपके ईमेल्स, आपके फ़ोन नंबर्स, ओके, आपने कभी किसी भी कंट्री से डिपोर्ट हुए हो, या फिर आपके आप यहाँ तक कि आपके रिलेटिव्स की भी ये स्क्रीनिंग इसमें होने वाली है। देखिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी इशू होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ पंगा होता जा रहा है वहाँ पे। जैसे कि लास्ट टाइम में शूटिंग के केसेस हुए हैं, ये सारे जो भी केसेस हुए हैं, ये नॉन इमिग्रेंट जो लोग हैं, इमिग्रेंट होके जो आए हैं, उन लोगों की वजह से हुए हैं। और इस चीज़ को रोकने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है। अभी ये पूरा फुल एंड फाइनल नहीं है, बट स्टेट डिपार्टमेंट ने इस बात के बारे में, ये डिटेल्स के बारे में, लास्ट ईयर मई की बात है, लास्ट ईयर मई से इन्होंने स्टार्ट किया था कि जो भी एप्लीकेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, भले वो इमिग्रेंट वीज़ा हो, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा हो, तो उस केस में उनके हर अकाउंट्स की जांच की जाएगी। अगर उनके कोई रिलेटिव्स किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, या फिर किसी भी क्राइम में शामिल हैं, या फिर आपने लास्ट 5 ईयर्स में कुछ गलत काम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, आपके ईमेल्स अकाउंट को चेक किया जाएगा, लास्ट 5 ईयर्स की हिस्ट्री चेक की जाएगी। इसके लिए वो लोग सोशल मीडिया कंपनी से बात कर रहे हैं, जैसे कि ट्विटर से उन्होंने बात कर ली है, फेसबुक से बात चल रही है, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। जहाँ तक मेरा मानना है काफ़ी हद तक सही है। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, कभी भी ऐसे पोस्ट को लाइक मत कीजिए जो ह्यूमन फेवर में ना हो, ठीक है। क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, ऐसी वीडियोस लोग डालते हैं जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान हो सकता है, तो अपने अकाउंट को हमेशा सिक्योर रखें। और ट्विटर पे कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, किसी भी पॉलिटिकल टॉपिक पे, या फिर अगर अपने हम बात करें किसी भी ऐसी एक्टिविटी पे, आप कमेंट ना करें जिसकी वजह से आपका वीज़ा इन फ्यूचर डिनाई हो जाए, ठीक है। तो सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अपने जो वीज़ा से रिलेटेड, अगर आपका यूएस ड्रीम है, अपने वीज़ा से रिलेटेड सारे ऑप्शंस को आप चेक कर लीजिए। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़ गया है कि अगर वो दिन में फेसबुक एक बार चेक ना कर ले तो उसे उसका खाना हजम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक कि फेसबुक, ट्विटर, कितने सारे अकाउंट, उनका मोबाइल फ़ोन पूरे सोशल मीडिया अकाउंट से ही भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं अपनी बात करूँ, मेरे भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो काफ़ी उसमें टाइम स्पेंड हो जाता है। एक बार अगर आप ओपन कर लें कोई भी टॉपिक, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लें, तो आपको यहाँ पे सारी एप्लीकेशन को चेक करना पड़ता है। लेट्स सी कि कौन से मीडिया, सोशल मीडिया पे कौन से एप्लीकेशन पे कौन किसने क्या कमेंट किया हुआ है, आपने अगर फ़ोटो पोस्ट की हुई तो कितने लाइक्स आए हैं, एंड ऑल दैट आप लोग सब चेक करते हैं। ये एक इंसान का एक वो होता है, ठीक है। तो आप लोग भी ये देखें कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, कोई भी फ़ोटो आप अपडेट कर रहे हैं, कहीं वो आपके वीज़ा में प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगी। देखिए अब यूएस इस बात को लेके काफ़ी सतर्क हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को पता है ट्रंप के आने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा है इमिग्रेशन से रिलेटेड। अभी कुछ कांग्रेस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी डिस्कशन चल रही है और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। अकेले यूएस में ऑलमोस्ट 14 लाख से ऊपर इमिग्रेंट हैं जो लोग विदाउट जो ग्रीन कार्ड पे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वीज़ा का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग इलीगली वहाँ पे रुके हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेट डिपार्टमेंट से मिलकर ये कदम उठाया है। तो ध्यान में रखें, जो भी आप पोस्ट करें
सतर्क होकर रखें। और कोई भी ईमेल्स आप करते हैं, कोई भी ईमेल अकाउंट आप यूज़ करते हैं, भले जीमेल या हो, तो अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में यूज कर रहे हैं और अभी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस केस में अगर आपने कुछ ऐसे पोस्ट किए हुए हैं, ऐसे ईमेल्स किए हुए हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, तो ध्यान रखें उन सब वीडियोज़ को, उन सब पोस्ट को आप डिलीट कर लें, ठीक है। और उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं क्रिएट होगी। अपना अकाउंट हमेशा सिक्योर रखें। कुछ ऐसे हैकर्स भी हैं जो आपके अकाउंट को हैक करके आपके अकाउंट पे गलत पोस्ट करते हैं और जिसकी वजह से आपको नुकसान भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, अपना अकाउंट सिक्योर रखें, अपने ईमेल्स को क्लियर रखें, क्लीन अगर आप हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने कोई गलत ईमेल्स नहीं किए हैं, गलत आपने फेसबुक पोस्ट नहीं की हुई हैं, तो ट्विटर में आपने गलत हैंडल्स यूज़ नहीं किए हैं, तो फिर आप इस केस में आपको डरने की कोई बात नहीं है। जस्ट एक अपडेट था आप लोगों को बताना था कि US काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा है वीज़ा इमिग्रेशन के रूल को लेकर, और सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ईमेल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, उनसे आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ध्यान रखें, आप गूगल पे जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सब गूगल रिकॉर्ड करता है उसको। अगर आपने गूगल पे कोई भी वेबसाइट ओपन की है, आपने कोई भी पिक्चर देखी है, आपने कोई भी प्रोफाइल, अगर मैं बात करूँ कि हाँ अभी एक नई मूवी आई थी, कुछ लोग गलत चीज़ें सर्च करते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को सर्च करना बंद कीजिए जो कि आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।